अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें है आपका दिया हुआ, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, सो दैट आपको दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, यानी इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस हमको इतना लाना है। तो चलिए, वी हैव हमारे पास क्या है, हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है वह माइनस जेड, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसको क्यूबिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग क्यूबिंग, जहां जो जरूरत है तो क्यूबिंग बोथ साइड्स वी हैव और वी गेट। इधर x प्लस वाई, इसको आप इधर इक्वेशन वन कंसीडर करो, x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस जेड का होल क्यूब। अब देखिए, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला में क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि फॉर्मूला आप जरूर याद रखो, माइनस का क्यूब हमने माइनस लिखा और जेड का क्यूब जेड क्यूब लिखा। अब यहां एक स्टेप और ध्यान देने का है कि जो एक्स प्लस वाई है उसको बदलकर माइनस जेड लिख देंगे, क्योंकि ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, और यहां माइनस जेड हमने लिख दिया, माइनस जेड क्यूब। स्टेप बढ़ाते हैं और लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब सिर्फ इस दोनों को ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे और इसको राइट से लेफ्ट लाएंगे, हमारा काम पूरा होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कमी है यहां माइनस जेड क्यूब, वो उधर से लाए इधर, और इस तरफ से लेफ्ट साइड से ले गए राइट साइड में थ्री एक्स वाई जेड को। देखिए, शायद यही लाना था, शायद नहीं बल्कि परफेक्ट। ओके, तो ये प्रूव्ड हो गया, सो हो गया तो प्रूव्ड हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 14। देखिए, ध्यान से पढ़िए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, ये क्यूब्स में दिया है तीनों, आप बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के, यानी इसको थ्री बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको थ्री बार ऐसा नहीं कि सेवन इंटू सेवन लिखना है, नहीं, आपको कुछ प्रॉपर्टी यूज करके आपको लाना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट माइनस ट्वेल्व को लेते हैं ए और सेवन को लेते हैं बी, फाइव को लेते हैं सी। तो हमारे पास मिलता है ए प्लस बी प्लस सी, जिसे ध्यान से देखोगे माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव जो जीरो आ जाता है, क्या जाता है, जीरो। तो हमने सीखा है कि यही कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो या ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी, उसी प्रॉपर्टी का यहां यूज करना है। तो वी नो दैट लिखेंगे कि इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो क्या आएगा, देन एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। अब यहां पुट किया ए के लिए क्या पुट करना है, ए के लिए माइनस ट्वेल्व, बी के लिए क्या पुट करना है, सेवन, सी के लिए क्या पुट करना है, फाइव। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेल्व का क्यूब प्लस सेवन का क्यूब प्लस फाइव का क्यूब और थ्री ए बी सी, यानी थ्री माइनस ट्वेल्व सेवन फाइव, इसको जो मल्टीप्लाई करके लाएगा आंसर वही हो जाएगा। अभी देखिए क्या आता है, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, ओके, एंड 67 जा 420 और 420 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12,
या माइनस है तो माइनस 1260। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का 2, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब। यहाँ पर हम इसको ए लेते हैं, 28 इज इक्वल टू ए माइनस 15 इक्वल टू बी 13 माइनस 13, ये माइनस 13 है, माइनस 13 इक्वल टू सी। प्लस करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ आता है 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि ये 28 और ये 28। वी नो दैट दैट इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। यहाँ a का वैल्यू पुट करेगा, पुट a इज इक्वल टू 28 एंड b इज इक्वल टू माइनस 15, c इक्वल टू माइनस 13, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो आ ही गया है, ए का वैल्यू पुट कर रहा है, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब इज इक्वल टू 28 माइनस 15 माइनस 13, ये आ जाएगा 16,000। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16,380। ओके, सो इस तरह कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखिए, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवेन। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू एल इन टू बी। तो सबसे पहले इसको फैक्टोराइज करेंगे, एरिया को फैक्टोराइज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल है, तो एरिया ए इक्वल टू 25a² माइनस, देखिए 12 और 25 इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 66 300 आएगा। तो अब हमको ये करना है कि इसका फैक्टराइज करना है। देखिए 12 को लिख सकते हैं आप 2 into 2 into 5, और 25 को आप लिख सकते हैं 5 into 5। अब लाना है आपको 35, तो क्या करोगे, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 5, ओके 5 3 जा, इस तरह से 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 2 जा 20। तो माइनस 20 आप करिए ए और माइनस 15 ए प्लस 12 जो फैक्टराइज में आपका यहाँ कॉमन आ रहा है 5a माइनस 4 माइनस यहाँ आएगा 3, 5a माइनस प्लस माइनस 4 यहाँ आ रहा है 5a माइनस 3, 5a माइनस 4। पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, पॉसिबल L आप लिख सकते हो 5a माइनस 3 और B लिख सकते हो 5a माइनस 4 और पॉसिबल B लिख सकते हो 5a माइनस 3 और
सॉरी एल लिख सकते हो आप 5a-3, और बी लिख सकते हो 5a- एल इक्वल टू 5a-4, रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे और 5a-3 यूनिट्स में यूनिट्स। ओके, तो इस तरह से हम एल को बदल करके, अब देखिए दूसरा है आपका एरिया दिया हुआ है जो 35y² है प्लस 13y-12, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि 13 फैक्टोराइज करेंगे 35y² और प्लस, ये देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई 420, तो 2 से 210 और 2 से 105 और 3 से 3 3 9 और 3 3 9 3 5 15 और 5 से 7। ओके, तो 7 4 28 और 3 5 15 28 और 15 से आ जाता है, प्लस 28 लेना है y और माइनस 7 4 28 और 3 5 15 माइनस सॉरी y माइनस 12। अब क्या है यहाँ पर जो है ना 7y कॉमन लेंगे तो 7 5 5y प्लस 4 और माइनस यहाँ लेंगे कॉमन 3 तो 5y प्लस 4, इस तरह से हमारा आता है 7y-3 और 5y+4। तो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ, पॉसिबल एल और बी, या तो आप लिखें 7y-3 5y+4 या 5y+4 और 7y-3, इस तरह से ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर। अब इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन डायमेंशंस है पॉसिबल जो लाना है, क्यों आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एल इंटू बी इंटू एच एच, तो आप इसको फैक्टोराइज कीजिए, बी इक्वल टू हमारा जो है गिवन है 3x² - 12x, जिसमें आप सबसे पहले तो 3x कॉमन ले लीजिए, तो 3x से x निकल करके आया 4, तो यहाँ क्या देखते हैं कि 3 × x × x-4 ही आया। अब देखिए ये l हो सकता है, ये बी h, या ये l b और ये h हो सकता है, तो आप सबसे पहले तो एक देख लीजिए 3x x-4, अब इसी को अदल बदल करके, अब मान लीजिए x यहाँ रखे 3 यहाँ रखे x-4 लेंथ हो सकता है, 3 जो है ब्रेथ हो सकता है, x हो सकता है ये नहीं, तो इस तरह से अदल बदल करके बहुत सारे आप डायमेंशंस जो है वह निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर इसका फैक्टराइज करना है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है, अब यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया है उसका फैक्टोराइज करेंगे, 12ky² प्लस 8ky-12k, अब यहाँ से हम 4k निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3y² प्लस 2y और -5, अब इसको फिर फैक्टोराइज करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो 4k और ये 3 5 15, 3y² प्लस 5y-3y-5, इस तरह से 4k और यहाँ से कॉमन आएगा ओनली y, तो ये आएगा 3y+5 और यहाँ से -1 कॉमन आएगा 3y+5। अब हमारे पास में आया फाइनल फैक्टोराइज y-1 और 3y+5। अब यहाँ पॉसिबल लेंथ ब्रेथ, पॉसिबल पॉसिबल l b और h, अब देखिए यहाँ पर से 4k आप ले सकते हो l, y-1 ब्रेथ ये
और 3y+5। इसका ऑर्डर आप चेंज करके आप लिख सकते हो कई सारे, ठीक है, एटसेट्रा। ये आप यहां ला सकते हो, इसको यहां ला सकते हो, इसको यहां ला सकते हो, इस तरह से सो मेनी जो है डायमेंशंस कैन बी यूज्ड फॉर दिस। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरे जो है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन को हमने आपके लिए पहुंचाया। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो उसे देखें और सीरियसली लें इसको, कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इसको देखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।